यहाँ गन्ने की खेती मेन है। हैप्पी बर्थडे टू यू। बाहर निकलो, बाहर निकलो। गुड मॉर्निंग। नर्मदा किनारे रात पे हम अपनी गाड़ी लगा के सो गई थी। अंधेरा हो गया था, लेकिन अभी बाहर का क्या नज़ारा है, क्या चल रहा है, कहाँ पे हम रुके थे, ये आपको मैं दिखाती हूँ। इसके बाद हम ब्रश कर लेते हैं। अभी हम अपना किचन नहीं खोलेंगे, यहीं पे चाय मिलती है, चाय पी लेंगे और फिर आगे जाएंगे। ये देखिए माँ नर्मदा का किनारा, ये जगह है, यहाँ पे हम रात को सोए थे। तो कल रात हम छोटी बर्मन घाट में रुके थे। ये नर्मदा नदी का ये हिस्सा है। पानी नहीं होने की वजह से हम लोग आसानी से यहाँ रुक सके। रात भर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, बीच बीच में तेज़ बारिश भी हो रही थी, लेकिन हम लोगों को कोई तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ा और रात अच्छी से गुजर गई। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ बर्मन घाट। वो सामने जो दिख रहा है वो बर्मन घाट है। और देखिए यहाँ नदी के तट के अंदर को इस तरह ये नर्मदा नदी के ऊपर दो घाट बने हैं। वो देखिए आप, वो जो दिख रहा है वो राम घाट है। और यहाँ पर इस जगह पर 14 तारीख से बड़ा मेला लगने वाला है, इसीलिए ये सब लेवल किया गया है, समतल जगह बनाई है इन्होंने। ब्रश करके रेडी हो गए हैं और हम चल रहे हैं उस जगह जहाँ पर हमें पता है कि चाय मिलती है, क्योंकि सेठी साहब सुबह सुबह चाय पी के आए हैं वहाँ पर। और उन्होंने कुछ हमें सलाह भी दी है कि क्या बोलना है उसे, जैसे कम शक्कर वगैरह। चलते हैं वहाँ पर, चाय पियेंगे, थोड़ा नाश्ता भी करेंगे और उसके बाद हम फिर आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। हम लोग आगे जा रहे हैं। सतपुरा टाइगर रिजर्व के बगल में एक गांव है, रेनी पानी गांव। रात वहीं रुकने वाले हैं, 2 रात। तो दोस्तों आ गए हम ये चाय की पटरी पर। और भाई साहब को हमने बोला है कि 4 चाय बनाए, कम शक्कर, अदरक डालने का है अंदर। वो फ्रेश हमारे लिए बनाएंगे अभी चाय। और यहाँ चाय पियेंगे, थोड़ा नाश्ता भी करेंगे। फिलहाल तो हम चाय का मज़ा लेने के लिए यहाँ बैठे हैं। यहाँ गन्ने की खेती मेन है। सारे जब जहाँ भी आप नज़र फैलाओ हर जगह गन्ने के खेत नज़र आते हैं। और कई सारे रास्ते में हमने गुड़ के कारखाने भी देखे, जहाँ पे गुड़ बनता है। तो यही वजह है शायद यहाँ का गुड़ भी फेमस है। चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग जा रहे आगे अपने मंजिल की ओर। बारिश का मौसम जैसे कि हो गया है, सब गीला गीला गीला। अब थोड़ी धूप निकलनी चाहिए यार। बस जा रहे हैं अपनी कैंपर की और आगे की जर्नी तय करेंगे। नहीं मजा ही कुछ और है छिंकी खाने का। और मेरे हाथ से खाते तो वो मीठा नहीं लगता, और लगता अच्छा। तो फिर क्यों शना आप खा रहे भी देख रहे उधर रहे, इसलिए मुझे थोड़ा शक होने लगा। क्या शक होने लगा? तो शायद मुझे खिलाने वाली थी। तो फ्रेंड्स अभी हम सतपुरा टाइगर रिजर्व के मढ़ई जो रेंज है वहाँ पे पहुँच गई है। देखिए ये फॉरेस्ट शुरू हो गया है। अभी हम बफर जोन में घूम रहे हैं और जाएंगे वहाँ मढ़ई का जो एंट्री गेट है वहाँ पे जाएंगे और कोशिश करेंगे कि कल कोर जोन के लिए हमें सफारी की टिकट मिल जाए सुबह की, अर्ली सुबह की। उसके बाद हम अपना कैंपिंग स्पॉट ढूंढेंगे। कौन सा कैंपिंग स्पॉट होगा वो आपको वहाँ पहुँच के ही बताएंगे। लेकिन अब आप ये जंगल का देखिए, सतपुरा टाइगर रिजर्व। पिछली बार हम जब यहाँ पे आए थे तब हमने यहाँ भालू देखा था बहुत ही नज़दीक से। जैसे ये रोड है और ये सामने जो पेड़ है वहीं पे भालू था। कि बहुत सारे रिसोर्ट भी यहाँ पे हैं। अगर आप कभी भी यहाँ पे आना चाहते हो और रिसोर्ट में रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं और जंगल सफारी का आनंद उठा सकते हैं। सतपुरा टाइगर रिजर्व के मढ़ई वाली जो रेंज है उसके काफ़ी नज़दीक है और बीच में जो ये गांव है, शायद ये गांव का नाम मढ़ई है। इसके ऊपर से इसका जो प्रवेश द्वार है, मुख्य गेट, उसका नाम मढ़ई गेट पड़ा है। ये देखिए हम पहुंच गए एंट्री गेट पे और ये रहा टिकट काउंटर। यहाँ पहले से बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुकी है। मुझे लगता है कि कोर की टिकट शायद मिलना मुश्किल होगी। कल के लिए देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलती। आज तो नहीं मिलेगी। नाइट सफारी भी होती है यहाँ से, जो हमने पिछली बार की थी। यहाँ से नाव में बिठा के आपको सामने की ओर ले जाते हैं और फिर आपकी टाइगर सफारी शुरू होती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमने तय किया है जहाँ भी हम पहुँचेंगे सबसे पहले बर्थडे सॉन्ग गाया जाएगा, ठीक है? बर्थडे है आपका इसलिए। ये देखिए ये बाइसन रिसोर्ट है ये वाला। जब आप मढ़ई सतपुड़ा में मढ़ई वाला जो गेट है वहाँ पे एंट्री पॉइंट पे आते हैं, जो टिकट वाले गेट पे, तो इसके बाजू में ही ये रिसोर्ट है। और भी बहुत सारे रिसोर्ट है ये वाले पीछे, जहाँ कहीं भी आप रुक सकते हैं। और ये देखिए ये वाली रिवर, और वो रिवर में बोट से आपको सामने वाले वहाँ कोर जोन है वहाँ पे कोर सफारी होती है। गाजर केक टू यू, पपीता केक वहाँ था यहाँ पे। देखिए भावना जी का बर्थडे है तो इसकी केक कटिंग हो गई। गाजर का केक था खाने के बाद, और वही है हमारा बर्थडे केक। दिस इज अवर बर्थडे डिनर।